आरामदेह इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत मीटिंग बलिया बलियाली में राजकीय परिवहन चालक संघ अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों का जोरदार धरना प्रदर्शन। बलियाली के लोक निर्माण विभाग के कैंपस में राजकीय परिचालक संघ लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कर्मचारी गणों का कहना कि हमारी मांगों लंबा समय से नहीं सुना जा रहा है, हमारी उपेक्षा अनदेखी की जा रही है, जिसके लिए हम मजबूर होकर आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इस मौके पर तमामगढ़ मौजूद रहे। कुमार सिंह अध्यक्ष राजकीय परिवहन चालक संघ पीडब्ल्यूडी। आप लोग पीडब्ल्यूडी में आज धरने पर बैठे हुए हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम कई बार पत्र दिए, अच्छा से हमारे से वार्ता हुई, हमारी 9 सूत्री मांगे हैं जिसको कई बार उनसे कहा गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पहली मांगे हमारी है MPS की कटौती, जो कि बराबर DM साहब से ये निर्देश आता रहता है कि MPS की कटौती कराई जाए, ट्रेजरी में भेजा जाता है और MPS का भी खाता भी नहीं खुल पाया कि बहुत लोगों का, और जिनका खाता खुला उनका रख रखाव या उनका पासबुक या लेजर अभी तक नहीं बन पाया है। हमारी मांगे कि उसको बनवाया जाए और हमें दिखाया जाए। दूसरी मांगे है कि सरकारी गाड़ियों से कार न लेकर ये लोग प्राइवेट गाड़ियों से कार लेते हैं। हमारी ये मांगे कि सरकारी गाड़ी से कार लिया जाए, जबकि स्पष्ट निर्देश है कि व्हीकल टेंडर में शुल्क सी लगाया जाए, प्राइवेट वाहनों से टैक्सी पास होकर गाड़ी चलाई जाए, लेकिन ये नहीं किया जा रहा है अधिकारी द्वारा। तीसरा हमारा है कि बोनस जब शासन आदेश था कि दीपावली पे ही बोनस दे दिया जाए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ का बोनस नहीं मिला, जो कि लास्ट सत्र चल रहा है। चौथा मांग है हमारा एरियर 9% तक एरियर बाकी, हमें यहाँ कोई भी एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। ये जिस तरह से आपकी ये मांगे हैं, हम जानना ये चाहते हैं कि मांगे आप कब से आप लोग रख रहे हैं, अभी तक मांगे पूरी क्यों नहीं हुई और कारण क्या रहा? मांगे कई बार हम लोग रखा गया, पत्रक द्वारा के बात दिया गया, हम लोग यहाँ एक बार धरना भी हमारे नियमित उपचार संघ के कर्मचारी चलाए थे, अधिकारी से बात हुई और उन्होंने कहा कि सब हम एक महीने के अंदर दिखा देंगे, लेकिन एक महीने से ऊपर हो गया, जबकि वो कहे थे कि हर 20 तारीख को हम बैठ के कार्यालय में वार्ता करेंगे, तभी वो 20 तारीख को वार्ता नहीं किए और न हमारा काम पूरा किए, इसलिए हम लोग लास्ट तक मजबूरन होकर कार्मिक अनशन पर बैठना पड़ा। अगर कार्मिक अनशन के माध्यम से अगर नहीं होता है तो हम लोग इसके आगे भी कदम बढ़ाएंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी एहसासी बनता की होगी। मैं राजेश कुमार पांडे, नियमित उपचार कर्मचारी संघ का अध्यक्ष एवं राज कर्मचारी महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष। आप लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में धरना दे रहे हैं, आप लोग चाहते हैं क्या? नहीं, चाहते क्या है, हमारी जो जायज मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बावजूद शासकीय व्यवस्था से वार्ता के बाद भी अभी तक हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि हम अपनी बात रख सकें। हम कोई नाजायज मांग तो मांग नहीं रहे हैं, जो शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा है उसको भी देने में इतनी हीला हवाली हो रही है, इसलिए बाध्य होकर के इस तरह का निर्णय लिया गया है। आप लोग चाहते हैं क्या, और लेकिन आप लोगों ने अपनी मांगों को तो रखा, लेकिन इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदार जो विभाग का प्रमुख है वही तो है, अधिशासी अभियंता को देखना चाहिए कि जो कर्मचारी हैं जो वो अगर हमसे काम लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं या हमारी जो आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति करें। यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? नहीं, अभी यदि मांगे नहीं मानी जाएंगी तो निश्चित तौर पर हम और आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्रमिक अनशन कर रहे हैं, उसके आगे जो और भी नैतिक तरीके से जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं।